नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के माध्यम से। दोस्तों, आज है 8 अगस्त 2024 और आज की जो बड़ी लेटेस्ट अपडेट है वो SSC CPO के रिजल्ट को लेकर है। दोस्तों, आज पार्ट 10 में हम रिजल्ट को लेकर बात करेंगे, क्या 10 अगस्त को रिजल्ट आ सकता है, कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमने और हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों हम आपके कट ऑफ, हम आपके सेफ स्कोर के बारे में कुछ हमने पोल करवाए थे उसका डेटा और रिजल्ट के संबंधित जानकारी शेयर कर पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करना भूलेंगे तो आप तक SSC CPO के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आप तक पहुँच नहीं पाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप ही की तरह जो SSC CPO के स्टूडेंट हैं ज़्यादा संख्या में पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है लेटेस्ट जानकारी जो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है और ज़रूरी होती है वो यहाँ पर अपडेट होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट के अपडेट को लेकर। दोस्तों, आप देख सकते हैं ताज़ा खबर के अनुसार दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से ऊपर आपके एग्ज़ाम को लेकर जानकारी है, लेकिन नीचे की लाइनों में आप देख सकते हैं SSC CPO रिजल्ट 2024 विल बी एक्सपेक्टेड ऑन 10 अगस्त। दोस्तों, ये रिजल्ट 10 अगस्त को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 अगस्त को ये जारी हो सकता है। अब ये हो सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेड खबर है, अनुमान के आधार पर है, तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है जो रिजल्ट के बारे में पूछते हैं तो उनका बिल्कुल कन्फर्म रूप से 10 अगस्त को आने का एक चांस रहेगा। दूसरा, हमने पोल करवाया था, जो पहला पोल था दोस्तों वो था पेपर के लेवल को लेकर। 17% बच्चों ने बोला पेपर का लेवल ईजी था, 21% बच्चों ने बताया पेपर का लेवल मीडियम था और 5% बच्चे बोल रहे थे कि पेपर का लेवल हार्ड था। इन सभी चीज़ों से एक बात पता लगी कि पेपर का लेवल दोस्तों मीडियम है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वोट कर रहे हैं मीडियम लेवल के पेपर को लेकर। तो ये मान सकते हैं कि पेपर का लेवल अगर मीडियम होता है तो कट ऑफ भी ज़्यादा हाई नहीं जाती, ज़्यादा लो नहीं जाती, कट ऑफ भी आपकी मीडियम ही बनेगी। तो जो भी ऐसा सोच रहे हैं कि ज़्यादा उनकी हाई कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, हमने पोल किया था पोल ऑफ मार्क्स के लिए कि किस रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो 23% हाईएस्ट वोटिंग से पता लगा कि ज़्यादातर बच्चों का स्कोर 120 और 130 के रेंज में आ रहा है। तो इससे एक चीज़ साफ जाहिर होती है कि हमारी इस एग्ज़ाम के लिए हमें जो पूरी सेफ्टी मिलेगी, क्योंकि हम वो सेफ स्कोर नहीं बताता है जो आपको बचा सकता है, वही बताएंगे जो कन्फर्म रूप से सेफ स्कोर है। 120 और अगर 130 के बीच में अगर आपका डेटा आ रहा है तो आप कन्फर्म रूप से एक सीट ले जाएंगे और टायर वन को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कट ऑफ के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज बात करना चाहते हैं, तो आप कैटेगरी वाइज भी दोस्तों देख सकते हैं, मेल और फीमेल के बारे में भी है। तो अपनी अपनी रेंज के हिसाब से आप देख सकते हैं, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, ये उनका क्राइटेरिया रहेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।